वैसे तो हर प्रकार के अचार की फैन फॉलोइंग होती है। हम सभी जानते हैं आम नींबू का अचार बहुत ही लोग पसंद करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला अचार मिर्ची का अचार है, जो की फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। आइए मैं यहाँ पर मिर्ची का अचार बहुत ही झटपट बनने वाला और सालों साल चलने वाला अचार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका तरीका बहुत ही अच्छा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर यह भी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम। सर्दियों का मौसम है तो नींबू और मिर्च आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर मैं आपके साथ मिर्च का अचार शेयर करने जा रही हूँ। ये मिर्ची 1 किलो ले ली है और इसको वॉश कर लिया है, और धूप में हम इसको कट करने के बाद थोड़ी देर तक रखेंगे, जिससे कि उसका जो नमी है वो पूरी अच्छी तरह निकल जाए। तो आप इस तरह से इसको कट कर लीजिए। देखिए, चाकू की सहायता से इसको कट करना है, और कट भी एक अलग तरह से आप अगर लगाते हैं तो इसमें तो मसाला भरने में इसमें आसानी होगी। और देखिए, इस तरह से एक मैंने कट लगाया है वी शेप का, और उसके बाद आप इसको जहाँ से भी कन्वीनियंट हो वहाँ से इसको इस तरह से कट कर लें। देखिए, जिस तरह से ये बहुत आसानी से मसाला हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ आपको ये करना है कि किसी भी चम्मच की सहायता से जो इसके अंदर के सीड्स हैं उसको भी सेपरेट कर लेते हैं, और एक कंटेनर में आप इसको इकट्ठा कर लें, ताकि जब भी मसाला हम जब रेडी करेंगे तो उसमें इस सीड्स को हम मिला लेंगे। तो इन सभी को कुछ इस तरह से धूप में अच्छे से दिखा देना है। देखिए, कट इसको इस प्रकार एक बार फिर से बता दें, इस तरह से आप कट कर लीजिए, कन्वीनियंट रहेगा ये। इस तरह से कट कर लेते हैं तो ये देखिए कितनी आसानी से ये इसमें फिल होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसका जो सीड्स हैं वो एक सेपरेट कंटेनर में इस तरह रख लें। और सारी मिर्चियों को इसी तरह आप धूप में सुखा लें, टोटली ड्राई नहीं करना है। और इसको इस तरह से भी कट कर लें ताकि छोटे छोटे पीसेस हो जाएं, जो हम मसाला जब रेडी करेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे इसको। और देखिए, सब चीज़ सारी मिर्च को इस तरह सुखा लें, आराम से इसको सुखा लीजिए। और ये बहुत ही अच्छे से, देखिए धूप आज अच्छी निकली हुई है तो बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। धूप लगाना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अचार डालेंगे तो आपका अचार काफ़ी समय तक रखा रहेगा। इसको भी देखिए, मैंने धूप दिखा दिया है, तो समय समय पर इसको थोड़ा सा चलाते रहें ताकि इसकी नमी भी पूरी अच्छी तरह से निकल जाए। तो फिर अब हम चलते हैं मसाले की साइड। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, किस तरह से इसमें मसाले ऐड करना है। इसमें यहाँ पर मैंने राई दाना ले लिया है, देखिए ये 7 से 8 चम्मच ले लिए हैं, और सौंफ भी ले लिया है मैंने 7 से 8 चम्मच, और मेथी दाना 2.5 चम्मच लिया है, और ये है अमचूर पाउडर, ये भी 2.5 चम्मच ही लिया है, और दोनों ही प्रकार के नमक लिए हैं। यहाँ पर काला नमक लिया है, और जो टाटा सॉल्ट आता है वो भी मैंने इसमें ले लिया है यहाँ पर, और 3 से 4 नींबू हैं। नींबू आप देख लीजिए, आप अब यदि ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कीजिए, ये ऑप्शनल है। और यहाँ काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसे मसाले में ज़रूर ऐड करें। तीनों मसाले, इन तीनों को ड्राई रोस्ट करके इसको मिक्सी में पीस लेना है, कोर्सली ग्राइंड कर लेना है इसको, और इसको भी हमको रोस्ट कर लेना है। पर इसमें आप रोस्ट करने के बाद अगर इसमें पीसते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस और भी अच्छी रहती है, तो आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले भून लेते हैं और फिर बताते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, और दोनों ही प्रकार के नमक मैंने लिए, काला नमक और सफ़ेद नमक, ये भी इसमें ऐड कर देंगे।
और जो गरम मसाला लिया था उसको मैंने इसमें कूट लिया है। और देखिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने गरम करके तेल रखा हुआ था, इसमें मैंने हींग मिलाई है ये वाली, आप चाहें तो कोई भी हींग ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें मिक्स करते जाएंगे। देखिए किस तरह से मिक्स हो चुका है पूरा। अब आप चाहें तो इसमें नींबू इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शनल है ये, मैं इसमें नींबू भी ऐड कर रही हूँ ताकि जल्दी जो अचार है वो थोड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें नींबू, इस मसाले में रखे हुए बीजों को भी ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले निकाले थे और इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और ये जो मिर्ची मैंने कट करी थी तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं अभी है। तो अब हमको इसमें फिल करना है जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, अब हम इसे फिल कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, अच्छे से इसको प्रेस करके भर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा इस तरह से इसको क्लियर कर देंगे यहाँ से। आप चाहें तो इसको पूरा भी रख सकते हैं और चाहें तो कट करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी रेडी कर लें। और देखिए मैंने कंटेनर भी यहाँ साफ करके रखा हुआ है, तो आप जिस कंटेनर में चाहें उस कंटेनर में फिल करके इसको रख सकते हैं। यकीन मानिए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप इस मेथड से बनाते हैं। साथ ही साथ आपको जो बनाने का जो मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है वो बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है और बहुत इजी से बहुत टेस्टी अचार बनके तैयार हो जाता है। अचार तो आपने बहुत से बनाए होंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह का अचार आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरह सीखते रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।